हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसन। फर्स्ट इज नगरहोल नेशनल पार्क, सेकंड पोपिकोंडा नेशनल पार्क, थर्ड सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, फोर्थ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 एंड 4 ओनली। वो इसीलिए क्योंकि जो पापिकोंडा नेशनल पार्क है वो हमारे पास गोदावरी बेसन जो है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं हमारे पास, जो हम कह सकते हैं कावेरी बेसिन में आके, या फिर हम कह सकते हैं नीलगिरी वाले एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, जो अल्टीमेटली बन जाता है कावेरी बेसिन एरिया के अंडर। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं हम, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ NCERT क्लास 11, ठीक है। तो हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो एंड में हम बात करेंगे अब नेचुरल वेजिटेशन की, कि किस तरह की हम कह सकते हैं प्लांट्स की, ट्रीज की या वेजिटेशन की ग्रोथ है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्जिन वेजिटेशन के मीनिंग से। तो वर्जिन वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि प्लांट कम्युनिटी, कैसी प्लांट कम्युनिटी कि जो कि विदाउट एनी ह्यूमन एड, यानी कि किसी भी मनुष्य के या हम कह सकते हैं ह्यूमंस की मदद के बगैर खुद से ही नेचुरली ग्रो हुई है, एंड टिल डेट वो ह्यूमंस के द्वारा डिस्टर्ब नहीं की गई है, ऐसी वेजिटेशन को हम बोलेंगे वर्जिन वेजिटेशन। तो ऐसी वेजिटेशन इंडिया में फिलहाल तो बहुत ही कम रह गई है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, वी कैन से कि जो नेचुरली ग्रोन हमारी वेजिटेशन है उसको कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने, हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हिंडर तो ज़रूर किया है। और वर्जिन वेजिटेशन का आजकल के टाइम पे इंडिया में मिलना इतना हम कह सकते हैं आसान नहीं है। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूज डाइवर्सिटी, यानी कि फ्लोरा फौना, यानी कि प्लांट और एनिमल किंगडम की फॉर्मेशन के लिए या उनकी पैदावार के लिए, ठीक है। तो रिलीफ फीचर्स में या क्लाइमेट में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलीफ फीचर्स की, तो उसमें हमारे पास है लैंड एंड सॉइल, ठीक है। तो लैंड के ऊपर डिपेंड करती है हमारी फ्लोरा एंड फौना, ऑब्वियसली बात है, टोपोग्राफी कैसी होगी उसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट तरीके के हम कह सकते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे। अगर लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है तो वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली ग्रो करेगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि लैंड है या फिर बहुत ज़्यादा हमारे हाइट पे या माउंटेन्स की बात करते हैं, वहाँ पे सिमिलरली वैसे ही एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो करेंगे। सिमिलरली सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही फर्टाइल रहती है तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे ग्रोथ होती है। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे हमारी फ्लोरा एंड फौना डिपेंड करती है। सिमिलरली बात करें अगर क्लाइमेट की, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में अलग तरह के हमारे पास हम कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे। एंड सिमिलरली फोटो पीरियड, फोटो पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कितने आवर्स डे हम कह सकते हैं सनलाइट रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी होगी या सुनी होगी, जितनी ज़्यादा देर तक हमारे पास सनलाइट रही है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी कह सकते हैं फ्लावर्स की या जो हमारे वेजिटेबल्स का साइज़ है कंपैरेटिवली लार्ज एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंगली इक्वेटर के आसपास बात करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे पास जो हमारी फ्लोरा है वो फ्लर्श करते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमारे पास अकॉर्डिंगली है। एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी एरियाज की बात करते हैं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मैक्सिमम जो है इक्वेटर के आसपास ही पाए जाते हैं ड्यू टू द फोटो पीरियड, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो डेजर्ट की फॉर्मेशन हो जाती है उसी के बेसिस पे, क्योंकि डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन कम है तो उसी के अकॉर्डिंगली फ्लोरा फौना रहेगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसी फ्लोरा यानी कि जैसी वेजिटेशन होगी, फौना यानी कि एनिमल किंगडम जो है उसी के हिसाब से हमारी उस पर डिपेंड करेगी। तो फौना इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ फ्लोरा दैट इज प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इंडिया में वेजिटेशन कौन से टाइप की है, तो 5 तरह की हमारे पास वेजिटेशन है, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है हमारे पास, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट भी है हमारे पास, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स भी है हमारे पास, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट भी है हमारे पास, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट भी है हमारे पास, ठीक है। तो बात करेंगे अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल से ही हमें पता लग जाता है कि क्या मीनिंग निकल रहा है। ट्रॉपिकल की बात करें तो जो है हमारे ट्रीज एवरग्रीन ट्रीज रहेंगे हमारे पास, ठीक है, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, तो मतलब रेनफॉल भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी, 200 सेंटीमीटर्स है विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है।
हाइट कितनी जाती है हमारे प्लांट्स की या ट्रीज की, अगर हम बात करते हैं वेजिटेशन की, 60 मीटर्स और इवन अबव, ठीक है, वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स गिविंग मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी, ठीक है, नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एवरग्रीन रहते हैं, तो दे आर ऑफ द सेम थ्रू आउट द ईयर, सेम टाइप की हम देख सकते हैं कि उनकी ग्रोथ रहती है, तो कोई एज सच कोई डेफिनेट पीरियड या टाइम नहीं रहता, ठीक है, फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द डे या ऑल द ईयर राउंड, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वो इक्वेटर, सॉरी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इन्फ्लुएंस भी रह जाता है, ठीक है, तो साथ ही साथ असम एंड तमिलनाडु की बात करते हैं तो असम में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास जो वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ मौसम ड्राम की बात करते हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु कोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अगेन समर एंड विंटर मॉनसून पे हमने डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, तो कौन से इसमें हमारे पास स्पीशीज रहती हैं प्लांट्स की, एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना, ठीक है जी, साथ साथ हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं, दैट इज एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़, वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, तो अगर आपको कोई पूछे कहाँ पे मिलेगा, दैट इज असम एंड वेस्ट बंगाल में वन हॉर्न राइनोसोरस जो है इंडिया में दैट इज फाउंड, एंड कहाँ पे, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सो द नेक्स्ट इज हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसे फर्दर हमने डिवाइड किया है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, तो देख लेते हैं क्या है ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रेनफॉल अगेन होगी, मॉइस्ट से बात करें मतलब जो ज़्यादा रेनफॉल होगी, ठीक है, तो 200 से 100 सेंटीमीटर्स होगी, और इसमें कौन सी है, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी इसमें इंक्लूड होती है, और टीन टीक जो है हमारे पास डोमिनेंट हम कह सकते हैं स्पीशीज है, कहाँ मिलती है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे हमें मिलती है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रीज आर शेडिंग द लीव्स एंड कंपैरेटिवली ड्राई है, वहाँ पे मॉइस्ट है, ठीक है, तो रेनफॉल और भी कम हो गई, यहाँ पे 200 से 100 है, यहाँ पे 100 से 70 पे आ गई है, ठीक है, पार्कलैंड लैंडस्केप विद ओपन स्ट्रेचेस, ठीक है, ओपन स्ट्रेचेस है, पार्कलैंड लैंडस्केप है, मतलब खाली मैदान है थोड़े, पार्कलैंड लैंडस्केप विद ओपन स्ट्रेचेस, ठीक है, ट्री शेड देयर लीव्स कम्प्लीटली, कौन सी यहाँ पे भी आ गई हमारे पास वैरायटी, टीक, साल, पीपल एंड नीम, एंड साथ ही साथ एनिमल्स कौन से हैं, लाइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ठीक है, बर्ड्स में लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं एंड टॉर्टोइसेस हैं, ठीक है, रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन सी वेजिटेशन है वहाँ पे, कौन से प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं और कौन सी जगह पे वो मिलते हैं, एंड कौन से हमारे पास हम कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम है जो वहाँ पे प्रिवेल करती है, ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, तो यहाँ पे और रेनफॉल हम देख रहे हैं प्रभाव कम हो रहा है, 50 से 70 सेंटीमीटर ही रेनफॉल रह गई है, तो थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज हैं, तो बेसिकली हमारे पास सक्यूलेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यहाँ हमें ये मिलते हैं, और एक्याकिस, पाम्स, यूफोरबियस एंड कैक्टाई जो हमारे पास जो है ये सारी कह सकते हैं हम कैक्टस की कह सकते हैं कि वैरायटी है, स्पीशीज है, ठीक है, और स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल, ठीक है, तो ये वाटर को हम कह सकते हैं सेव करने के लिए, एंड साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं लीव्स हैं वो छोटे होते हैं साइज में एंड दे रिड्यूस टू थॉर्न्स इवन, ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स भी हमें मिलते हैं, तो लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल इन साइज, थिक इसलिए ताकि हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की बात करें या ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं प्लांट्स में, तो इस वजह से वो उसे मिनिमाइज कर सके, तो यहाँ पे हमारे पास रोडेंट्स ही होते हैं, छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू छोटे एनिमल्स होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी अगर हम रीजन्स की बात करते हैं तो रैट्स, माइस, रैबिट्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो बात करेंगे हम माउंटेन फॉरेस्ट की, तो माउंटेन फॉरेस्ट को अगेन हमने डिवाइड कर दिया है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है एज कम्पेयर टू सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है अपनी वेजिटेशन को लेके, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिडस फॉरेस्ट भी हैं, वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट भी हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट भी हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं, अल्पाइन वेजिटेशन जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली माउंटेन रीजन्स में जो थोड़ी
हम कह सकते हैं अपर रीजन की बात करते हैं, तो उससे भी ऊपर हम टुंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं जो रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो हर तरह की वैरायटी के हम कह सकते हैं हमारे पास वेजिटेशन अवेलेबल है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे अपर एरियाज में जाते रहेंगे वहाँ पर हमारी जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन है अकॉर्डिंगली वेरी करती रहेगी। तो बात करेंगे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, तो ये पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट्स विंध्याज एंड नीलगिरीज में मिलते हैं, और 1500 मीटर्स एंड अबव द सी लेवल ये हमारी हाइट है। और वेजिटेशन इज अ टेम्परेट इन हायर रीजन्स, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन केरला तमिलनाडु एंड कर्नाटका में मिलते हैं। और इकोनॉमिक जो है इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि सिंकोना, वॉटल, मैग्नोलिया एंड लॉरल, तो ठीक है, सतपुरा एंड मैकाल रेंजेस में इसे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ना कॉन्सेप्ट आता है सोशल फॉरेस्ट्री का। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम मैनेज करें, प्रोटेक्ट करें फॉरेस्ट को, एंड साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन को अडॉप्ट करें ऑन बैरन लैंड्स, ठीक है, बैरन लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को सपोर्ट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एंड साथ साथ सोसाइटी को एज अ होल भी हम कह सकें उनकी भी डेवलपमेंट हो। यानी कि ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करें, एक बैरन लैंड को अगेन हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इंटू अ फॉरेस्ट या इंटू अ पर्टिकुलर एरिया विच इज ऑफ यूज टू बोथ इन्वायरमेंट एंड द सोसाइटी। तो ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री को फर्दर हमने डिवाइड किया अर्बन फॉरेस्ट्री में, रूरल फॉरेस्ट्री में और एग्रो फॉरेस्ट्री में। तो अर्बन फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि पब्लिक एरिया, चाहे वो प्राइवेट ओन लैंड्स ही क्यों ना हो, जैसे कि ग्रीन बेल्ट हो गए हमारे पार्क्स की जब हम डेवलपमेंट करते हैं, रोड साइड एवेन्यूज भी जब हम देखते हैं, साथ साथ इंडस्ट्री की बात करते हैं, कमर्शियल ग्रीन बेल्ट की बात करते हैं, तो आजकल ये पर्टिकुलरली रूल बना दिया गया है। हम देखते हैं कोई भी नया हाईवे निकल रहा है तो उसके सेंट्रल में जो डिवाइडर है वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी हम कह सकते हैं ट्रीज को भी लगाया जाता है। सिमिलरली पार्क्स की डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स की साइड पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे हमने बना लिया है कि रूल कि हमें ग्रीनरी मेंटेन करनी है, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ग्रीनरी अवेलेबल करवाने की बात की जा रही है कि आपको एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि ट्री कवर या प्लांट कवर हमें रखना ही है, वो अर्बन फॉरेस्ट्री के अंडर ही आएगा। सिमिलरली रूरल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की जाएगी, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लस ट्री प्लांटेशन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ऑन द सेम लैंड, इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर। तो हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर अगर बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ को, या अगर हमें फौना को यानी कि वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो हमें फ्लोरा को बचाना है, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सेंचुरीज बनाई यानी कि रिजर्व्स बनाई, ठीक है। तो हमारे पास चार मेन रिजर्व्स हैं इंडिया में। फर्स्ट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायो रिजर्व, ठीक है, और साथ साथ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो बनाई गई थी 1986 में, इसको हमने इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे मोस्ट या लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन ऑफ टू एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज, नेमली नीलगिरी तहर एंड लायन टेल मकैक, ठीक है। तो ये जो लायन टेल मकैक है हमारे पास, हम कह सकते हैं ये मंकी की एक स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं पॉइंट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर एंड चीतल भी हमें मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स भी रह रहे हैं बहुत सारे, और टोपोग्राफिक हम कह सकते हैं वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एंड 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर फाउंड है। तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नंदा देवी जो हम कह सकते हैं पीक के आसपास वाला एरिया आ गया, तो उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ तो यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज आर सिल्वर वीड एंड ऑर्किड्स, ठीक है, ऑर्किड्स बहुत फेमस है यहाँ के, ठीक है। ये ऑर्किड्स के हम कह सकते हैं स्पीशीज हैं हमारे पास लैटीफॉली एंड रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे हमारे पास स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, मास्टियर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल एंड ब्लैक ईगल मिलती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मेजर थ्रेट्स यहाँ पे पोचिंग की बहुत बातें आती हैं, ताकि साथ ही साथ एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूजेस, क्योंकि ये एरिया जो है हम पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं कि ये बॉर्डर के आसपास वाला एरिया है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे पोचिंग की या फिर हम कह सकते हैं किलिंग की भी बात करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को फॉर मेडिसिनल यूजेस या अदर यूजेस आल्सो, तो इसलिए इसको बचाने की भी बहुत कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो फॉरेस्ट टाइप ऑफ द रिजर्व आर टेम्परेट। ठीक है, सुंदरबन बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ये एक डेल्टा भी है, हम कह रहे हैं यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, तो इसलिए स्वाम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, स्वैम्प है, फॉरेस्टेड आइलैंड्स है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सिलीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, बंगाल टाइगर्स को हम कह सकते हैं हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, चिल्का लेक की भी बात की थी, तो यहाँ पे चीतल, डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग एंड इवन मकैक्स आर फाउंड है। तो यहाँ पे एक मैनग्रोव फॉरेस्ट की या मैनग्रोव ट्रीज की पर्टिकुलर जो है हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एक स्पीशीज है, जिसे हेरिटेरा फोम्स बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली हम कह सकते हैं मरीन एनवायरनमेंट की बात करता है या मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। 1,05,000 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव से अगर हम इसे देखते हैं, तो 21 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज एस्चुरीज भी बन रही हैं, बीचेस भी है, फॉरेस्ट भी है, सी शोर के पास है, तो इन सी शोर एनवायरमेंट भी है, सी ग्रासेस भी है, कोरल रीफ्स भी है, सॉल्ट मार्शेज एंड मैनग्रोव। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम सब कुछ ही जो एक मरीन बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही है, तो अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बींग अ स्वाम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा एंड कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।